आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। सीतापुर के तंबौर कस्बे में निकाय चुनाव के तहत आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी पार्टी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर मंत्री मोहसिन रजा ने सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को भाजपा के अलावा सभी पार्टियों ने मिलकर लूटा है। मंत्री जी ने कहा कि वो आश्वासन देते हैं कि भाजपा के चेयरमैन बनने के बाद कस्बे का चहुंमुखी विकास होगा। मुझे लगता है कि नगर निगम के चुनाव में आप हमेशा से देखें, जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर विश्वास जनता का अटूट रहा है। जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी हम 50% से ज़्यादा जीत कराते थे। आज जनता का हमारे ऊपर पूरी तरीके से केंद्र से लेकर प्रदेश तक, योगी से लेकर मोदी और मोदी से लेकर योगी तक विश्वास है, भाजपा पर अटूट विश्वास है जनता का। ये जो आप देख रहे हैं इलेक्शन बाई इलेक्शन हमारा जो ग्राफ पढ़ रहा है, ये इस बात का संकेत है कि अब देश में कोई नहीं होगा हमारे सामने, सिर्फ भाजपा होगी और आप होंगे और कोई ना होगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार का जो रिजल्ट होगा वो 100% होना चाहिए, मेरा मानना है। निकाय चुनाव के लिए जहां एक ओर आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक लापरवाही का एक अनोखा मामला सामने आया है। मथुरा के रानी मंडी में वार्ड नंबर 27 के कक्ष संख्या 2 बूथ नंबर 233 को रसोई में पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां रसोई घर के बाहर बैठकर मतदान कर्मी अपना काम कर रहे हैं। इस बूथ के अंदर केवल एक ही आदमी जा सकता है और अंदर इतना अंधेरा है कि इसमें कोई भी चुनाव चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। इस मामले में अधिकारियों ने कहा कि शिकायत की गई है पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मथुरा में नगर निकाय चुनाव के दौरान भाजपा के मेयर प्रत्याशी की दबंगई उस समय देखने को मिली जब वार्ड 27 के बूथ 233 के पीठासीन अधिकारी को धमकाते हुए उसका दिमाग ठीक करने की बात कही। आरोप है कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा प्रत्याशी मतदान बूथ में घुसने लगे, जिन्हें पीठासीन अधिकारी ने रोका तो मेयर प्रत्याशी के बिगड़े बोल पीठासीन अधिकारी को सुनने पड़े। मथुरा में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान के दौरान लोगों में जमकर उत्साह देखने को मिला। ऐसे में एक नवदंपति अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचा, जहां उन्होंने अपने मत का प्रयोग कर जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया। दरअसल मिडलैंड कॉलोनी की रहने वाली शिल्पी खंडेलवाल की शादी मनीष खंडेलवाल से 25 नवम्बर को हुई थी। वहीं विदा होने से पहले शिल्पी ने मतदान करने की इच्छा अपने पति को जताई, जिसके बाद नवदंपति मतदान करने पहुंचे। बलिया में हो रहे निकाय चुनाव में रेवती नगर पंचायत में गड़बड़ी की शिकायत मिली, जिस पर जिलाधिकारी ने मतदान केंद्र पर खुद पहुंचकर लाइन में खड़े मतदाताओं की आईडी प्रूफ को चेक किया। इस दौरान उन्होंने मतदान करने के लिए लाइन में खड़ी एक 13 साल की बच्ची को लाइन से हटाया। वहीं तीन अन्य किशोरियों को भी आईडी मैच न करने पर कड़ी चेतावनी देते हुए लाइन से वापस भेज दिया। निकाय चुनाव के चलते दूसरे चरण में इटावा में भी मतदान हुआ, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इटावा में 3 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत हैं, जिसमें नगर पंचायत इटावा में 40 वार्ड हैं, वर्धना में 25 और जसवंत नगर में 25 वार्ड हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। सुल्तानपुर में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, लोगों में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला। वहीं सुल्तानपुर के कादीपुर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, तो वहीं सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। दोस्तपुर नगर पंचायत में आदर्श मॉडल बूथ बनाकर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन के साथ लोगों को जागरूक किया गया। हरदोई में नवीन गल्ला मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक भारी पुलिस बल ने तहसीलदार और खाद्य विभाग की टीम ने मंडी की दुकान पर छापा मारा। इस कार्रवाई में खाद्य विभाग और प्रशासन टीम ने 480 कट्टे सरकारी गेहूं उस वक्त जब्त किए जब डीसीएम से गल्ला मंडी की एक दुकान में उतारा जा रहा था। वहीं पुलिस ने रंगे हाथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया, साथ ही सरकारी राशन को दुकान में सीज कर सील बंद कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की बस से भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया और घंटों तक यातायात बाधित रहा। इस दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनको क्षेत्रीय लोगों की मदद से CHT लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज।